झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। गाइस इस बार राइमिंग भी अच्छी, शायरी भी अच्छी, गेम प्ले भी अच्छा होगा, क्यों नहीं, क्योंकि बनाने वाले हैं चैंपियन चाचा। चाचा 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 क्या है चाचा? लप्पू सा चाचा है, बोल ना पे आवे ना, झिंगुर सा लड़का है, अगड़ू सा चाचा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चैंपियन चाचा को कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अपने बारे में सुन लेंगे पर चैंपियन जी के बारे में कुछ नहीं। वाओ, ले भैया ले ओम पा, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। तो मेहरबान कदरदान हो जाइए, सावधान, आ गए हैं धासु गेम प्ले लेके, अपने चचा जान बन के उड़ेंगे इस गेम प्ले में भी शक्तिमान। चलो मूव लगा दो। देखो गाइज, आपके अपने चाचा चैंपियन कर रहे हैं, एक निवेदन के वीडियो देखना पूरा, वरना लगेगा हमको थोड़ा सा बुरा। टाइगर वहाँ से देख लेते हैं इनकी, अरे वहाँ से देख लेते हैं जहाँ से तुम नहीं देख पाते हो। देखो गाइज, घायल टाइगर नॉक हो चुके हैं स्टार्टिंग में उतरते ही, इसका मतलब आप समझ सकते हो वीडियो कितना बढ़िया जाने वाला है। और ये कौन चला रहा है? ये तो बॉट भैया चले आ रहे हैं। ले भाई, सगुन हो रहा है, बौनी हो रही है भैया, सगुन हो गया। अब तो इससे अच्छा मैच कोई जा ही नहीं सकता गाइज। और यार तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो हमको? इंस्टाग्राम पे हमने सोचा ब्रॉडकास्ट चैनल बनाए, डायरेक्ट आपको डीएम भेज दिया करें कि आज ये वीडियो आने वाला है, ये शॉर्ट आ चुका है, तो आपको डायरेक्ट वहां इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन नहीं, इंस्टाग्राम वाले कह रहे तुम्हें इतने फॉलोवर ही नहीं है कि तुमको ब्रॉडकास्ट चैनल दिया जाए। मतलब यस ने बना लिया, गायल टाइगर ने बना लिया, ओपी चीकू ने बना लिया, सबके अपने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल है, हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है, इंस्टाग्राम वाले कह रहे हैं। तुम लोग यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तरीका है भीख मांगने का? चलो बहुत ही, सामने वाले दुश्मन से आंख निचोली, अब इसकी खोपड़ी जाएगी खोली। ये साला करने जा रहा था हम पे मौली, और इसके हाथ से ही छूट के वहीं पे गिर गई मौली। फिलहाल हम पे रस कर गई है इसकी एक और सहेली, अभी इसकी भी खोपड़ी जाएगी खोली। काय 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 बच्चों, लो रही थी रस करने की, अब काय भाग रहे, आओ ना पेड़ के पीछे छिपे। एक मिनट, गन रीलोड नहीं है, चार गोलियां, हम नेता काय बन रहे? ए भाई सॉरी, ओ रुक जा भाई, रीलोड कर लेने दे। हाँ अब आ सामने सियाले। अबे यार टाइगर किल चोर, हम इतनी देर से कर रहे थे शोर के हम उसको मारेंगे, तो तुम्हें बीच में उंगली करने की क्या जरूरत है यार? कैम कर रहा हूँ ये सामने, कूद कूद के आ रहा है स्मोक में। रुको, इनको तो टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के मारेंगे इधर से। अरे वाह, रिवाइव चल रहा भाई, रिवाइव चल रहा, बड़ी मुश्किल से एक हम नॉक कर पाए उसको भी, ये रिवाइव करके भाई मेहनत में पानी फेरे दे रहे। रुको यार, इधर से चढ़ के रस करेंगे, एक इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। चलो भैया एक तो निपट लिया, ये देखो टाइगर नीचे से कामे हमें हाँ मारे जा रहा था। अबे डिजास्टर, धक्का देके नीचे गिरा दिया भाई, इसको रस करने की बड़ी चुल्ले, सबको किल चाहिए हैं। ले और ले लो किल, और ले लो, मजा आए। अरे नहीं टाइगर घुस गया, नहीं अबे रुक, हाँ नहीं ले लो और ले लो किल, और ले लो, सबको नेता बनना है। ले इतना आसान है इसको मारना भाई, उससे मरे जा रहे दोनों लोग भाई। बढ़िया M249 भाई, बढ़िया। काय बात की बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे थैंक यू नाइस। अरे वो कैंप करके कोने में बैठा, उससे कह रहे बढ़िया बढ़िया, वो कह रहा थैंक यू। कैंपरों की तारीफ कर रहे हैं हमारे टीममेट तेरी जिंदगी पर। अब देखो स्टार्टिंग वाली फाइट में क्या हुआ था, डिटेल में देखो भाई, हमारे पास एक गन में गोलियां नहीं थी, एक गन में गोलियां थी, लेकिन हमने इधर पे दोनों पे स्प्रे दिया थोड़ा थोड़ा, गोलियां चार बची थी, चार गोलियों में एक बंदा नॉक किया। हम एकदम पैनिक हो गए, तलवार निकालने की बजाय पंख पे क्लिक हो गया, पंख से हम हवा में लटक गए, और उसके बाद जो हुआ वो तो क्या ही बताएं, आपने देखा ही है। क्या क्या इंसान से कैसे खेल रहे हैं हम लोग। वाह भाई वाह, नीचे एक और, अरे अरे छोड़ भाई, मैंने नीचे एक नॉक कर रखा है भाई। अबे चाचा को फंसा लिया क्यूट गोल्ड डिगर ने। अरे बाबा, अरे पैरों में फंसा लिया गाइज, कुछ और नहीं सोचना। कहाँ गया ये लोंडा? अब अगर गाइज आप बॉट का किल हटा के देख लो तो भी हमने यहाँ पे एक शानदार सा 1v4 दिखा दिया है यार, तो एक बॉट मारना और बनता ही है, ये हमारा इनाम है, रिवार्ड है हमारा। गजब टू बी बाजा। तो जब हो गया 1v4 और ऊपर से बॉट लिया हमने मार, वैसे हमने किया 1v4, ये बात हम बोलेंगे बार बार, तो जब हमने कर लिया 1v4 उसके बाद ऑन किया रडार, तभी हमारे रडार में आ गए एक हमारे यार। हमने अपनी स्कारल से इन पे बरसाया तो थोड़ा बहुत प्यार, लेकिन वो प्यार इनके लिए काफी नहीं था, इसलिए हमें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके करना पड़ा इनका संहार। क्या बात है, किल विल हो गए ना टाइगर तुम्हारे? ऐसा तो नहीं किल विल ना हो पाए हो? यार तुम्हारे चक्कर में किल नहीं हुआ हमारा। ले, ये भी हमारी गलती है, तुम्हें तो ऐसे टक्कर मारेंगे, हम पे इल्जाम लगाओगे। तो गाइस जब हम इवेंट पे 1v4 कर रहे थे ना, 1v4 मतलब बिना हथियार 1v4, लेके तलवार 1v4 जब हम कर रहे थे ना। अरे बस कर भाई। अच्छा बस सुन लो एक और बार, आखिरी बार कह रहे हैं आखिरी बार, तो पिछली बार लेके तलवार बिना हथियार जब हम कर रहे थे 1v4, तो नंबर 1 हमारा यार मर गया, वो यासनाया में उतर गया। और आजकल यासनाया में कितने बंदे आते हैं आपको पता ही है, जो भी अकेला गया यासनाया फिर बेचारा वापस ना आया। फिलहाल हम लोग आए थे यहाँ पोचंकी, तो
यहाँ चल रही थी बहुत सारी बंदों की बहुत सारी नौटंकी, कुछ बंदे हम पे रस कर गए तो हमने फोड़ दी एक की खोपड़ी की टंकी, दूसरा कोई दूर से कर रहा था प्रहार, बेचारे टाइगर को कर दिया लाचार। कभी कभी हमें लगता है यार इसने अपना नाम घायल इसीलिए रखा है क्योंकि ये टाइम टाइम पे घायल होता रहता है। इतना ज्यादा कोई कैसे घायल हो सकता है, किसी की मोहब्बत का कैसे घायल हो सकता है। गेमिंग तो कोई भी गर्ल कर लेती है, हर कोई थोड़ी पायल हो सकता है। ये क्या बोल दिया हमने गाइस, वो राइमिंग के चक्कर में नाम ले दिया हमने पायल गेमिंग जी का। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उनपे पसंद पसंद हो, नहीं मतलब पसंद है वैसे पसंद है। अबे तीन तरफ से आ गए, नेड़ फेंक आ गए यार, हम घायल और पायल ही करते रह गए, एनिमी हमारे घुंघरू बजा गया। खैर कोई बात नहीं, अभी एक और बाकी है, जन्म फिर से बन जाएंगे चैंपियन। नीचे किसी ने बुला रखा है ड्रैगन, अभी देखो कैसे मारते हैं हम सारे दुश्मन। अब गाइज एक सेकंड से भी कम के लिए एक पैरासूट पीछे प्रकट हुआ, वो तो टाइम पे हम पलट गए तो हमने इस एनिमी को धर भी लिया। और ये तो वही है थंडर ड्रॉप करके जिसको हमने वहां मारा था, वो याद है ना जब हमने तलवार से काट के 1v4 किया था, तो उससे ठीक पहले दो लौंडे मारे थे, एक कैंप कर रहा था और एक को हमने खिड़की से उछल के मारा था। ये वही है दोनों लौंडे प्रो किलर, बेचारों की किस्मत कितनी खराब है, पहली बार भी हम ही से मर गए। भाई मेरी हेल्थ बिल्कुल कम रह गई, अब ये लोगों का रिवेंज वाला कंटेंट बन जाता है। ये भाई है इसी एंगल पे रहना, बचा लेगा टाइगर। इसी एंगल पे रहना वो रश करेगा, मार दूंगा। अब कैसे करेगा बेचारा, दौड़ के आऊं तो रुक जाओ। अबे हमें लग रहा है ये रिवाइव करने लगा, भाई हमारी किल चोरी नहीं होने चाहिए। अबे टाइगर तूने लास्ट ले लिया क्या? ये नहीं मैंने नहीं लिया, तेरा है लास्ट वाला। ये देख मेरा था क्या टाइगर ने क्लच ही बर्बाद कर दिया इसने। नहीं गाइस जब हमारी फटी पड़ी थी तब नहीं आया, जब हम हेल्थ लगा चुके मारने के लिए तब टाइगर बीच में आ गया, हमको बहुत बुरा लगा। इसीलिए बीजेएमआई वालों ने हमारे खाते में 2 बॉट भेज दिए कि लो भैया रोना आप, चच्चा तसल्ली रखो ये लो। ये टाइगर हमेशा हमारे क्लच में उंगली करता रहता है, इसीलिए जब जब हमारे क्लच होते हैं तब तब ये मरता रहता है, क्योंकि ये जब मरता है तभी अपन का क्लच पूरा होता है। फिलहाल यार गाइस हमें बंदे ही नहीं मिल रहे थे, एक और बॉट मिल गया। हमने सस्ते से स्पेसशिप में बैठ के पूरा मैप छान लिया, पूरा तो नहीं लेकिन जितना जोन में था उतना मैप छान लिया, लेकिन कहीं बंदे नहीं मिले। यार फिर बॉट आ गया, मतलब अब बॉट ही बॉट आ रहे हैं तो हम असली बंदे कहां से मारें। मिल गए असली बंदे मिल गए टाइगर को। यार हम चलती गाड़ी से कूद गए, हमारी हेल्थ चली गई, ये साला उड़ रहा है शक्तिमान बनके। भाई लोकेशन हो गई है रिवील, जल्दी भागना पड़ेगा पंख लगा के इधर से। ये कौन है बे, एक मिनट रुको भाई, कोई पोटली खा के उड़ने की तैयारी में लगा है, शक्तिमान बनना चाह रहा है। उड़ गया। आओ बेटा आओ, कहां जाओगे हम। अरे लो घायल टाइगर फिर से घायल हो गए। अब गाइस हम ही रह गए हैं अकेले जिंदा, और जोन में बचे हैं 9-9 बंदा, और ये कहां से उड़ के जा रहा है बे साले। पितृदेव संरक्षण, भाई ये मार दिया ना बेस्ट सीन बनेगा यार। इतना डैमेज था, एक सेकंड और रुक जाता तो मर जाता पूरा, लेकिन एनिमी ने पता नहीं चाट रखा था धतूरा, तुरंत साला भाग गया। अब हवा में उड़ने में भी रिस्क है, उसको भी पता है हम उड़ने वाले हैं, वो साला ऊपर भी देखेगा। ये रहा ये रहा, मेरे से करो तो ये है भाई, कम से कम चिल मार के तो खेल रहे हैं यार। इनको लग रहा है भाई फट नहीं रही है, बताना मत चैंपियन फॉर अ रीजन। अरे चुप हो जा लड़की, पनौती सुन लेगी भाई, ज्यादा तारीफ उससे हजम ना होती हमारी, समझा करो। राइट वाले बंदे को तो स्कोप करके देख रहा था ना, वो बंदा तेरे स्कोप के अंदर नहीं था, तेरे स्कोप के लेफ्ट साइड से दिख रहा था। अब तो क्या एक्सपेक्टेड मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तेरे स्कोप के बाहर था और तू बार बार एक जगह पे। अरे लेकिन मुझे नहीं दिख रहा था ना, तुझे तो दिख रहा था क्योंकि देख। तो म्यूट करो इनको यार, भाई हमारे इधर धकर धकर हो रही है, ऐसी तैसी भी कलेजा फटके बाहर आया जा रहा है, इनको अपनी बातें पड़ी है, भैया इधर था बंदा उधर था बंदा। अबे यार इन लोगों ने ना तारीफ कर करके कि चचा पैनिक नहीं होते नजर लगा दी। अरे मर गया, बम से मर गया, देख रहे हो मरते मरते भी मार के जाते हैं चचा, यार ये होता है प्रो प्लेयर। लल जाते जाते परंपरा के अनुसार पहले शायरी सुनाएंगे, तो अर्ज किया है चाहे एस पे हो चाहे कॉन्करर पे हम करेंगे नहीं घमंड, चाहे एस पे हो चाहे कॉन्करर पे हम करेंगे नहीं घमंड, गेम में कुछ भी उखाड़ लो भैया जिंदगी तो रहनी है झंड। और हाँ गाइज बहुत ही जल्दी लाइव करेंगे एक दिन, तो उस दिन जो भी मेंबर्स ऑनलाइन होंगे उनको एक दो लोगों को मोड बना देंगे जो ज्यादा एक्टिव दिखाई देंगे। और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, कब तक नहीं करोगे, वहाँ हम फेस रिवील नहीं करते लेकिन फेस कट तो रिवील कर ही देते हैं, मतलब ऐसी फोटो लगा देते हैं चेहरा नहीं दिखाई देता है फेस कट दिखाई देता है। जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, बाकी जो भी स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे रहे हैं उनमें से अगर कोई अच्छा लग रहा है तो वो भी देख लेना। बबा चटा चीर देंगे फाड़ देंगे, लात से लताड़ देंगे, झाड़ू से झाड़ देंगे, कैंप करेगा बेटा जड़ से उखाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे।